आपने जो अभी मिसाइलों का ट्रेलर देखा, वो सभी मिसाइलें भारत की एडवांस मिसाइलें, जिसकी बदौलत भारत ने समूह जग को अपनी जद में लिया है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत ने फिर एक बार ऐसा कारनामा खड़ा कर दिया है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है। हाँ दोस्तों, मैं आज भारत की एक ऐसी भविष्य की मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर भारत का DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, जिसके मैं इतना उत्तेजित होकर आपको बता रहा हूँ, उस मिसाइल सिस्टम का नाम है सूर्य मिसाइल। चलो दोस्तों, फिर शुरू करते दोस्तों। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO पिछले कई सालों से सूर्य मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण वर्ष 2017 में होने को उम्मीद है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो भारत की यह सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे अद्भुत मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी, और बेहतर ढंग से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो यह पता चलता है कि यह मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह करने में सक्षम होगी। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO आजकल बहुत तेज़ी से जिस मिसाइल को डेवलप करने में लगा हुआ है, उस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मिसाइल एक ही साथ कम से कम 4 से 6 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अर्थात यह मिसाइल एक ही साथ 4 से 6 ठिकानों पर हमला बोल सकती है और दुश्मन के कई शहर एक ही झटके में निस्तनाबूत करने में सक्षम होगी। तो भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसके इस मिसाइल के भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतीय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अलास्का और उत्तरी कनाडा तक भी निशाना लगा सकती है। अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ट्रिडेंट D5 मिसाइल मौजूद है और रशिया के पास 16,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली SS-18 सैटर्न मिसाइल मौजूद है और चाइना के पास Dongfeng-5 13,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल मौजूद है। तो भारत की यह मिसाइल दुनिया की सबसे अद्भुत मिसाइल है और एक ही साथ सभी देशों और इन मिसाइलों पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें और कुछ कहना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ही साथ 4 से 6 ठिकानों पर हमला बोल सकती है और दुश्मन के कई शहर एक ही झटके में निस्तनाबूत करने में सक्षम होगी। तो भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसके इस मिसाइल के भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतीय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया,
मिसाइलें। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। और बेहतर ढंग से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो यह पता चलता है कि यह मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह करने में सक्षम होगी। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO आजकल बहुत तेज़ी से जिस मिसाइल को डेवलप करने में लगा हुआ है, उस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मिसाइल एक ही साथ कम से कम 4 से 6 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अर्थात यह मिसाइल एक जिस पर भारत का DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, जिसके मैं इतना उत्तेजित होकर आपको बता रहा हूँ, उस मिसाइल सिस्टम का नाम है सूर्य मिसाइल। चलो दोस्तों फिर शुरू करते। दोस्तों सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO पिछले कई सालों से सूर्य मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण वर्ष 2017 में होने की उम्मीद है। दोस्तों सूत्रों की माने तो भारत की यह सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे अधिक दोस्तों आपने जो अभी मिसाइलों का ट्रेलर देखा, वो सभी मिसाइलें भारत की एडवांस मिसाइलें, जिसकी बदौलत भारत ने समूह जग को अपनी जद में लिया है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। दोस्तों मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत ने फिर एक बार ऐसा कारनामा खड़ा कर दिया है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है। हाँ दोस्तों, मैं आज भारत की एक ऐसी भविष्य की मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ।